हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी आपस में इस पार्टी के नेता लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में ना होते हुए भी आपसी लड़ाई से ग्रसित है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता कभी आपस में चिट्ठियां लिखते हैं, कभी दिल्ली बैठे नेताओं को खत भेजते हैं, तो कभी एक नेता दूसरे नेता के ऊपर पत्र बम से हमला करने को तैयार बैठा है। चलो, मुझे कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना, उनकी पार्टी वो विचार करें, लेकिन त्याग पत्र दे रहे हैं। जब वो सत्ता में भी नहीं है तब भी वो आपस में जो है किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पूरा फोकस कर रही है हम इस कोरोना के दौर से प्रदेश को बाहर निकालें, और इनका पूरा कार्यकाल इस संकट के क्षण में भी राजनीति करने में गया है। कुछ त्याग पत्र दे रहे हैं, कुछ दिल्ली लिख रहे हैं, कुछ दिल्ली चिट्ठी भेजते हैं, तो एक दूसरे की चिट्ठियाँ निकाल रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं। उन सारी बातों पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा फोकस इस वक्त हिमाचल प्रदेश को कोरोना के इस दौर से बाहर निकालना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हमारी प्रभावित ना हो, इसलिए जो अनस्पेंट मनी पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा है, उसके माध्यम से हम काम को गियर अप कर सकें और उसके बाद जनहित के कार्य हम ठीक व्यवस्थित ढंग से कर सकें, ये कोशिश कर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी केवल अपनी अंदर की लड़ाई में ही फंस कर रह गई है। पहले हम पर कहते थे, अब आजकल हम पर कम कह रहे हैं, एक अपने में ही एक दूसरे के ऊपर कहे जा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।